नमस्कार दोस्तों, आर अश्विन ने छोड़ा है किंग्स इलेवन पंजाब का साथ। आईपीएल 2020 से पहले बीसीसीआई ने किया है ऐलान। दोस्तों वो जानकारी मैं आपको पूरी बताऊंगा, लेकिन आप रविचंद्रन अश्विन को पसंद करते हो और आप चाहते हो कि रविचंद्रन अश्विन की टीम ये आईपीएल 2020 की चैंपियन बने, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि आर अश्विन आईपीएल 2020 में दमदार स्पिन गेंदबाज और अश्विन अगले आईपीएल सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब के लिए खेलते नजर नहीं आएंगे। आर अश्विन ने पंजाब की टीम का साथ छोड़ दिया है, इस बात की पुष्टि खुद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने की है। ऐसे में साफ है कि आर अश्विन आईपीएल 2020 में नई टीम के लिए पसीना बहाते हुए नजर आएंगे। बीसीसीआई के सचिव जय शाह की ओर से एक मेल मीडिया को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आर अश्विन ट्रेड के तहत किंग्स इलेवन पंजाब से दिल्ली कैपिटल्स टीम के साथ जुड़ गए हैं। किंग्स इलेवन पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में रविचंद्रन अश्विन को लेकर ट्रेड सफल हो गई है। खबर थी कि अश्विन के बदले दिल्ली की टीम से ट्रेंट बोल्ट और जगदीश सुचित को पंजाब की टीम को दे सकती है, लेकिन इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ऑफ ब्रेक गेंदबाज आर अश्विन आईपीएल फ्रेंचाइजी किंग्स इलेवन पंजाब को 28 मैचों में लीड किया था। 28 मैचों से सिर्फ 12 मैच ही जीत मिली थी। टीम ने उनकी कप्तानी में 16 मुकाबले गवाए थे। इतना ही नहीं, अश्विन की कप्तानी में 2 आईपीएल सीजनों में क्वालिफाई राउंड में भी नहीं पहुंच पाई थी। अश्विन इस समय भारतीय टेस्ट टीम के हिस्सा है। अश्विन साल 2009 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 139 आईपीएल मैच खेले हैं, कुल 125 विकेट हासिल किए हैं। अश्विन ने इंडियन प्रीमियर लीग में 6.79 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। आईपीएल की एक पारी में 5 विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए हैं। अश्विन का बेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस 34 रन देकर 4 विकेट है। अश्विन थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, हालांकि उन्हें बतौर बल्लेबाज कम ही सफलता मिली है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को भी दबा देना, क्योंकि मैं ऐसी क्रिकेट जगत की खबरें लेकर आता रहूँगा।